गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रोली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास थर्ड की बुक इन्वायरमेंटल स्टडीज का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है हमारे प्लांट्स ओवर फ्रेंड्स, पेड़ पौधे हमारे दोस्त। इसके बारे में हम इससे पहले वाली कई वीडियोस में इसके बारे में कई सारी बातें व हम कई चीज़ों के बारे में पढ़ चुके थे और हमने कई सारी नई नई चीज़ें पेड़ पौधों के बारे में सीखी थी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पौधे का अच्छा सा सुंदर सा चित्र बनाने को दिया था, वो आपने बना लिया होगा और उनके नाम्स भी आपने दे दिए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट इससे अगली वाली वीडियो में हम इसके आगे के पेज को हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 36, जो कि है हमारा लीव्स। पेज नंबर 36 का जो टॉपिक है वो है लीव्स। लीव्स मीन्स पत्तियां, आप सभी जानते ही हैं। लीव्स फ्रॉम द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। लीव्स क्या जो होती है, पत्तियां जो होती है वो पौधे का हरा भरा भाग होता है। हरा कलर का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, पत्तियाँ कहते हैं, पत्ती कहते हैं। दे ग्रो ऑन द स्टीम। ये पत्तियां जो हैं वो स्टीम के ऊपर, तने के ऊपर उगती हैं। सम लीव्स आर बिग वेल सम आर स्मॉल। कुछ पत्तियां जो होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं और कुछ पत्तियां जो होती हैं वो छोटी होती हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स आल्सो, और उन सभी के अलग अलग आकार भी होते हैं। थस ट्री आर मैनी डिफरेंट टाइप्स लीव्स ऑफ लीव्स। जैसे पेड़ों के देर आर, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ होती हैं। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स। लीव्स जो होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं वो प्लांट्स के लिए खाना बनाने का कार्य करती हैं। हाउ डू द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फाइंड आउट। जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं, हरे भरे होते हैं, वो कैसे अपना खाना बनाते हैं, चलो आप सब इसे ढूंढिए कि वो अपना खाना कैसे बनाते हैं ग्रीन। सम लीव्स मे बी पॉइजनस, वी वुड नॉट टेस्ट ऑल लीव्स। कुछ पत्तियाँ जहरीली भी होती है जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। अब आ जाइए आप, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सम लीव्स आर ईटन। कुछ पत्तियाँ जो होती है वो खाने योग्य भी होती हैं, लाइक स्पिंच, बातून, कैबेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे स्पिंच, बातून, कैबेज, ये वो पत्तियां हैं जो खाने में भी खाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सम आर फ्रेग्रेंट। कुछ जो होती है वो फ्रेग्रेंट भी होती हैव ए गुड अरोमा, लाइक बेसिन, कोरिएंडर, कैरी लीव्स, किनामोन, मिंट लीव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है, सम लीव्स आर यूज्ड इन रिलीजियस रिचुअल्स लाइक बेटल, पान, अशोक लीव्स, मैंगो लीव्स, बनाना लीव्स। कुछ जो पत्तियां होती है उसे धर्म की पूजा पाठ में भी उपयोग में लिया जाता है। कौन कौन से पत्तियां होती है, जैसे पान की पत्तियां हुई, आम हुए, आम की पत्तियां हुई, केले की पत्तियां हुई, तुलसी, ये वो पत्तियां जिनको पूजा पाठ में भी उपयोग में लिया जाता है। तो ये तीन पॉइंट, ये पत्तियों के हमने उपयोग जाने, कौन कौन से क्या क्या उपयोग होते हैं उनके, और कुछ पत्तियां हमने पढ़ा है सब लीव्स में भी पॉइजनस, कुछ पत्तियां जहरीली भी होती है, वी शुड नॉट टेस्ट ऑल लीव्स, हम सभी पत्तियों को नहीं टेस्ट कर सकते। वी यूज लीव्स इन वेरियस वेज, हम पत्तियों का अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
ओके अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 37। जो है हमारा इस पेज पर हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। अब आप सभी ने लीव्स की डिफरेंट टाइप तो पढ़े हैं, हम सबने, कि कुछ पत्तियाँ होती है वो अलग अलग आकार की होती है, कुछ पत्तियों का साइज अलग होता है, कोई छोटे होते हैं, कुछ पत्तियाँ बड़ी होती है, कुछ पत्तियाँ टेस्ट में भी अलग अलग होती है, कुछ पत्तियों का कार्य भी अलग अलग है। ऐसे हमने डिफरेंट टाइप के अलग अलग पत्तियों के बारे में पढ़ा कि सभी पत्तियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, कुछ पत्तियाँ अलग भी होती हैं, वह एक ही पेड़ पर सभी एक जैसी पत्तियाँ उगती है और दूसरे पेड़ पर उससे अलग पत्तियाँ उगती हैं। एक प्रजाति की पत्तियाँ सभी सेम होती है, बस उनके साइज में अंतर होता है, और जैसे जैसे पौधों के प्रजातियाँ बदलती जाती है, वैसे वैसे पत्तियों का आकार, टेस्ट, साइज ये भी बदल जाता है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स। देखिए आप सभी, डू दिस आल्सो, आप भी करिए आज से, कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। आप अलग अलग प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा कीजिए, ड्राई देम इन ऑल न्यूज़पेपर एंड देम पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। आप उन्हें ऑल न्यूज़पेपर में ड्राई कर दीजिए, वह उसे पेस्ट कर दीजिए कहाँ पर, अपनी स्क्रैप बुक जो है उसमें पेस्ट कर लीजिए। ट्राई टू राइट देयर नेम आल्सो, और उनका नाम लिखने की कोशिश भी कीजिए, उनके जितने हो सके आप उनके नाम लिखने की कोशिश भी कीजिए। टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप इस क्रियाकलाप में अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। मच द फॉलोइंग लीव्स विच देयर फ्रूट, और ये भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी पत्ती किस फ्रूट की है, कि जैसे आम के पत्ते, इमली के पत्ते, केले के पत्ते, पपीता के पत्ते, अनार, इन सब के पत्ते आप इकट्ठा करें तो उनके सामने आप उनके फ्रूट के नाम भी लिख सकते हैं, और उन फ्रूट के नाम पर ही उन पत्तियों के नाम होते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में चिपका करके उन्हें रख सकते हैं। तो आप ये सब अच्छे से ये एक्टिविटीज़ करें, आप सभी को ये एक्टिविटीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी और आप इसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अब हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पेज को पढ़ेंगे। अब आप सभी, ये जितना हमने दो पेज पढ़े हैं, जो क्रियाकलाप आपको करने के लिए दिया है, वो बड़ी ही ईमानदारी के साथ व इंटरेस्ट लेकर के उन्हें अच्छे से करेंगे, जिससे आपको अलग अलग पत्तियों के बारे में जानकारियाँ मिलेगी और आप उन्हें जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहेंगे, कि और आपको उससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी पत्तियाँ हमारे किस काम आती है। तो आज के लिए इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।